हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल अभी अपडेट पे। मैं अभिनव प्रताप सिंह फ्रेंड आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया फ्रेंड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आप लोगों का जो एग्जामिनेशन हुआ था आज IBPS का फ्रेंड, उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आज आप सभी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो आप लोग का जो SO का एग्जामिनेशन हुआ था उसका फ्रेंड AFO का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फ्रेंड प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, सारे कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड जल्दी से देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल अभी अपडेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए, जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आज पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस थे और कौन से क्वेश्चंस आपको के क्या आंसर्स लिखने थे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले फ्रेंड, इस वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम स्टूडेंट को पहले शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अभी अपडेट को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो आप लोग आज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था IBPS AFO 2020 की कंप्लीट जो होगा आपका जो मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं जो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा गया था एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स लिखे होंगे। जो क्वेश्चन था फ्रेंड कुछ इस तरह का था, विच इज़ द प्रोपिगेशन मैथड यूज फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ अ बनाना क्रॉप फ्रेंड, ये क्वेश्चन था। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो सकता है फ्रेंड स्वॉर्ड शॉकर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड हो सकता है फ्रेंड स्वॉर्ड, मैं यहाँ पे आंसर्स लिख गया था फ्रेंड स्वॉर्ड सकर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है फ्रेंड SUCKER सकर्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है फ्रेंड। ये फ्रेंड मेरे जो रिव्यू मिले फ्रेंड स्टूडेंट्स के थ्रू उसके थ्रू मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने फाइंड आउट किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड, सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करें फ्रेंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन आज पूछा गया था, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट्स ने इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स लिखे होंगे। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन था फ्रेंड वो कुछ इस तरह था, व्हाट इज द आइसोलेशन रिक्वायर्ड फॉर अ फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा फ्रेंड, ये क्वेश्चन थे। और फ्रेंड कुछ ऑप्शंस में दिए गए थे 50, 100, 800 और फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड उसका 400, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था ये तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा फ्रेंड। स्मॉल स्केल जो आपका था वो फार्मर का जो क्वेश्चन तो पूछा गया था, जो आपका हेक्टेयर का स्मॉल स्केल आपका जो फार्मर्स का, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ने ये जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था लैंड होल्डिंग ऑफ अ स्मॉल स्केल फार्मर्स, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा 1-2 हेक्टेयर्स तक होता है फ्रेंड, 1-2 हेक्टेयर्स स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं फ्रेंड। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ने सही लिखा होगा 1-2 हेक्टेयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इवेल्युएशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच होरिजन फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है बी होरिजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी होरिजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर दिए होंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पूछा गया था वो कुछ इस तरह का था, न्यू लीफ लेकर क्वेश्चन था फिर, न्यू लीफ ऑफ अ प्लांट शो येलो सिम्टम्स एंड बीन्स रिमेन अ ग्रीन इज कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, तो फ्रेंड कुछ इसमें जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए थे वो एफ ई न्यूट्रिएंट्स दिए गए थे ऑप्शंस में, MN न्यूट्रिएंट्स दिए गए थे और N था, यस था, यस सी है, कुछ इस तरह के फ्रेंड ऑप्शंस दिए गए थे। तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है MN क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सारे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन ने आंसर्स लिखे होंगे सही फ्रेंड। क्वेश्चन थोड़ा जो पेपर था फ्रेंड बाद में इस एक्सपेरिमेंट तक जरूर बनेगा, थोड़ा पेपर थोड़ा लेंदी पेपर था, थोड़ा टफ है तो सर काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा टिपिकल भी थोड़ा पेपर था स्टूडेंट्स कह रहे थे। तो टिप्स फ्रेंड ये रहे कि फिर आप बिल्कुल परेशान थे, जो भी आपके जो भी डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा सर। और उम्मीद करते फ्रेंड जो कट ऑफ होगी इस बार की थोड़ा डाउन होगी, पिछले बार के कंपैरिजन में बात की जाए तो कट ऑफ डाउन होना लाजमी है फ्रेंड, क्योंकि आप जो एग्जामिनेशन थोड़ा सा पेपर जो था थोड़ा टिपिकल था। बात करते हैं जो आपका जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्लू टैग इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सीड फ्रेंड, ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो है सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड
सीड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा होगा। फ्रेंड कोई भी डाउट हमें कमेंट कीजिएगा, सर्टिफाइड सीड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिम्बोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है रिबजोम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है RIZOBM रिबजोम, जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पूछा गया था वो आज था स्टडी ऑफ ग्राइंडिंग ट्री टू मेक अ शेड एंड शेप इज कॉल्ड। फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है आर्बोकल्चर। आर्बोकल्चर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, या मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये भी क्वेश्चन आपने सही लिखा, आर्बोकल्चर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे आंसर समझ में आ रहे हैं। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था उसके ऑल 30 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपके जो आज IBPS SO AFO का जो एग्जामिनेशन जो आपका मेंस का जो कंडक्ट कराया गया तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड कोई भी डाउट हमें कमेंट कर दीजिएगा, सारे कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। चलते हैं फ्रेंड। जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो येलो इज कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू विच पिगमेंट। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है कैरोटीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, उम्मीद करते हैं फ्रेंड सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, कैरोटीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड मैं आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड जिन भी स्टूडेंट्स ने IBPS जो आज जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, IBPS का जो SO मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो अगर आप चाहते हो कंप्लीट सॉल्यूशन IT का, तो हमारे इस चैनल अभी अपडेट पे पहले से अवेलेबल है और आपको अगर विजिट करना फ्रेंड जाकर देख सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाकर वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। IT का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमने डाल दिया है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, IT के जो भी आंसर्स आप लोग मैच कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में वो था द टेक्निक विच रिड्यूस द सॉइल इरोजन एंड इवेपोरेशन काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप इज नोन एज। फ्रेंड इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है मल्चिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड मल्चिंग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, सारे कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो वैक्सीन फॉर रिंकेट डिजीजेज इन अ पोल्ट्री। फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो है लेसोटा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेसोटा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था वैक्सीनेशन फॉर फूट एंड माउथ डिजीजेस इन स्लीप इन गिवन हाउ मेनी मंथ वंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है सिक्स मंथ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में वो था रिमूवल ऑफ अ मेल फ्लावर इन बनाना आफ्टर अ कंप्लीटेशन ऑफ फीमेल फेस इज नोन एज अ डिनवेलिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये डिनवेलिंग जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में आपके वो क्या था, वो एपिड इज अ वेक्टर फॉर विच डिजीजेस ऑफ टोबैको। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो लीफ क्योरॉल जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर से मैं आपको लिख देता हूँ फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में वो आपका था विच ऑयल केक इज यूज्ड इन फिश पॉन्ड टू किल द प्रीडेटरी इंसेक्ट। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है MAHUA इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में वो था आपका हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फॉर द मिल्क लेट डाउन।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आज पूछे गए थे, एक क्वेश्चन और भी था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया था, वो जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन आपके पास दिए गए थे कुछ 85% से और 70% थे, 90% और 95%, कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। और तो फ्रेंड इस तरह के कुछ ऑप्शंस, एक 75% भी था। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो 85% राइट आंसर है। 85% जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड, 85% राइट आंसर है जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 85% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था बीटी कॉटन को लेकर जी हाँ फ्रेंड, बीटी कॉटन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है बीटी कॉटन का वो है बॉल वॉर्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बॉल वॉर्म, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फ्रेंड, जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में वो आपका था वो मेल्टिंग इन शीप इज कॉल्ड, तो उसको मेल्टिंग इन शीप को हम लोग कहते हैं टपिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, टपिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। टपिंग इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज आस्किंग फॉर टुडेज एग्जामिनेशन IBPS AFO मीन्स 2019 जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था फ्रेंड, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जामिनेशन वो था आपका इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो फ्रेंड फॉरेस्ट एरिया को लेकर क्वेश्चन था और फॉरेस्ट एरिया और फ्रेंड कुछ ऑप्शंस भी आपके दिए गए थे फॉरेस्ट एरिया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर MP मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे फॉरेस्ट जो इंडिया का लार्जेस्ट या कहीं हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है आपका MP, और ऑप्शंस दिए गए थे MP महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब उड़ीसा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। फ्रेंड यहीं पे अगर बात करें, अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर यही पूछा जाता है फॉरेस्ट एरिया, तो फ्रेंड वो अगर आपका आंसर्स भी ये कमेंट कीजिए फ्रेंड, वर्ल्ड लेवल पे अगर होता तो क्या होता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड लेवल। चलते हैं फ्रेंड, उम्मीद करते हैं फ्रेंड सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड। फिर उम्मीद करते हैं फ्रेंड सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।